हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि समय का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। जिस तरह मुट्ठी में बंधी हुई रेत को फिसलने से हाथ में नहीं रोका जा सकता, उसी तरह समय के पहिए को भी नहीं रोका जा सकता। दोस्तों, कृष्ण भगवान भगवद गीता में टाइम मैनेजमेंट के लिए कहते हैं कि पहला फाउंडेशन है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। वो चिट्ठी जिस पर एड्रेस नहीं लिखा है, वो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं। वो जहाज़ जिसे दिशा ना मिले, वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। इसी तरह आप बिना किसी उद्देश्य या किसी सपने के बिना कहीं नहीं जा पाओगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि टाइम तब मैनेज करिए जब आपके पास कोई गोल हो। दोस्तों, अब बात आती है अपने गोल्स को अचीव करने की। प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय होता है। कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पूरा दिन हार्डवर्क करते हैं, परंतु फिर भी दिन के अंत तक उनका कुछ कार्य अधूरा ही रह जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा, जो आपको डेली लाइफ में टाइम को मैनेज करना सिखाएंगे। तो पहला टिप है, नेक्स्ट डे के लिए प्लान बनाएं। आपको आने वाले दिन में क्या-क्या करना है और किस-किस समय करना है, इसकी एक अच्छी और सरल योजना एक दिन पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए। दूसरा टिप है, अपने डेली प्लान को सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश कीजिए। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपके द्वारा बनाए गए डेली टाइम मैनेजमेंट प्लान की कोई भी चीज़ मिस ना हो। अगला टिप है, वेस्ट टाइम जानने के लिए आपको अपने डेली प्लान को रोज़ एनालाइज करना चाहिए। अब आप जब रात के समय नेक्स्ट डे के प्लान के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसी समय आपको उस दिन के प्लान के रिजल्ट की ओर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आप कंफर्ट के पीछे ना भागें, कभी-कभी कुछ चुनौतियाँ आपको बदल सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।